हेलो, दिस साइड अनिंदा मनोन्द्रा। आज हम देखेंगे पार्ट टू। फॉरएवर का आईडी क्रिएशन होने के बाद, जैसे कि आपको ऐप डाउनलोड करना रहता है जिसमें आप प्ले स्टोर या आईओएस में आपको माय फॉरएवर इंडिया का ऐप मिलेगा। वहां पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पे अपना एक रजिस्ट्रेशन, जो आपको 12 डिजिट की आईडी मिली है, वो आपको लॉग इन करनी है। सो जैसे कि आप ऐसे लॉग इन करोगे तो आएगा ओटीपी। तो जो भी आपका नंबर आपने डाला रहेगा, वहां से आपको ओटीपी डालनी है। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है, पर ये जो पासवर्ड रहेगा, ये जो आपने गूगल पे डाला था वो वाला पासवर्ड नहीं सेट करना है, और ना ही ये पासवर्ड में अपना नाम, मिडल नेम, सरनेम, उसके अलावा आपको पासवर्ड रखना पड़ेगा, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये 3 3 मंथ्स में चेंज होता है। सो पासवर्ड सेट करने के बाद, जैसे कि आपको केवाईसी अपलोड करनी है गूगल से, और थर्ड आप यहाँ पे आरडीओस भी देख सकते हो, जितने भी मुंबई में आरडीओस के एड्रेस और जीएसटी नंबर के साथ। प्लस यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो और डिटेल्स भी ले सकते हो। जैसे कि ये एलो टर्म है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखे गए हैं, कैसे लेना है, इसके अंदर क्या इंटीरियर्स है, सब कुछ ये ऐप में डिटेलिंग्स में लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग एलो ड्रिंक्स है, बी प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर और वेट मैनेजमेंट और कॉम्बोस है। यहाँ पे जाके आप कॉम्बो भी देख सकते हो, अलग अलग हार्ट कॉम्बो है, C9 है, अगर किसी को वेट लॉस करना है तो ये सारे कॉम्बोस भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप ये विजिट कर सकते हो। और जो भी परचेसिंग रहेगा, कैसे करनी है, वो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो, जिसने भी आपको ये प्लेटफॉर्म बताया। ओके, थैंक यू सो मच।